क्योंकि आज है 11 अक्टूबर यानी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का बर्थडे। वेल, आप सब जानते हैं बिग बी के जो फैंस हैं उन्हें आज के दिन का इंतजार रहता है। हजारों के लोग जो हैं वो बिग बी के घर पर फूल भेजते हैं, तोहफे भेजते हैं और इन सबके साथ पता चलता है कि फैंस और अमिताभ बच्चन का ये जो बंधन है ये अटूट है, ये टूटने वाला नहीं है। मतलब रात 12 बजे से ही ट्विटर उठाकर देखिए, इंस्टा उठाकर देखिए, फैंस ने अपनी खूबसूरत सी विशेष बिग बी तक पहुंचानी शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट टाइम परिवार की ओर से अमिताभ बच्चन को हम भी देते हैं उनके जन्मदिन की ढेरों बधाई। करते हैं यही कामना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपने ट्वीट्स के जरिए हंसाते रहें, इंस्पायर करते रहें, अमिताभ बच्चन स्वस्थ रहें और हमेशा खुशहाल रहें। भाई विशेष की बात तो हो गई, सेलिब्रिटीज का बर्थडे होता है बेहद खास और जब बात हो शहंशाह की तो आज के दिन के मायने ही बदल जाते हैं। अमिताभ बच्चन आप सब जानते हैं उनका सपना इंडस्ट्री में आना कभी भी नहीं था, लेकिन वो इंडस्ट्री में आए और उनकी ख्वाहिश जरूर थी चमकना और आज देखिए सिनेमा के आसमान में सबसे चमकता हुआ सितारा अमिताभ बच्चन ही है। तो बिग बी के जन्मदिन पर ज्योतिषों ने उनकी जिंदगी को लेकर काफी सारी बातें कही हैं। साल 2021 से लेकर साल 2023 तक का ये जो वक्त है ये बिग बी के लिए काफी ज्यादा खास है। साल 2021 से साल 2023 तक अमिताभ बच्चन की जिंदगी में खुशियां, मान सम्मान ये सब कुछ दोगुने होने वाले हैं। बिग बी के जिंदगी में ढेर सारी कामयाबी आने वाली है, परिवार के लिहाज से भी और काम के लिहाज से भी। तो ज्योतिष का क्या कहना है आज के दिन को लेकर, अमिताभ बच्चन की कुंडली को लेकर, कैसे बिग बी को हेल्थ से जुड़ी हुई थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन वो परेशानियां भी टलेंगी, ज्योतिषों का क्या कहना है बिग बी को लेकर सुनिए जरा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट, अपने अभिनय के बलबूते दुनिया भर में लोहा मनवाने वाले बिग बी आज की तारीख में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिंदी फिल्मों में एंग्री यंग मैन के रूप में उन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। बॉलीवुड में वॉइस नैरेटर के रूप में प्रवेश करने वाले बिग बी अभिनय की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे इस बात की उम्मीद शायद उन्होंने भी अपने आप से नहीं की होगी। लगातार 12 फिल्में फ्लॉप होने के बाद जब बिग बी को सफलता का स्वाद नहीं मिला, उसके बाद बॉम्बे टू गोवा फिल्म से उन्हें पहचान मिली और यकीन मानिए अमिताभ बच्चन ने दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कौन बनेगा करोड़पति के साथ टीवी जगत में कदम रखा और इस रियलिटी शो को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कमर्शियल फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद बिग बी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आज जाना जाता है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों को न केवल समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया बल्कि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कार, कई सम्मान बिग बी ने जीते हैं जो उनकी उपलब्धियों की सूची को काफी लंबा चौड़ा बना देता है। मैडम तुसाद, लंदन में अपनी मोम की प्रतिमा स्थापित करने वाले अमिताभ बच्चन पहले एशियाई थे। आपको बता दें 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के पुत्र के रूप में इंकलाब श्रीवास्तव का जन्म हुआ और इन्हीं का नाम बाद में अमिताभ बच्चन रखा गया। बचपन से ही कला में उन्हें गहरी रुचि थी क्योंकि उनके पिता एक उल्लेखनीय कवि थे, उनकी मां की अभिनय में गहरी रुचि थी। तो चलिए इस खास मौके पर अब हम आपसे अमिताभ बच्चन के कुंडली का विश्लेषण करते हैं। बिग बी के बारे में एस्ट्रो योगी ज्योतिषी क्या कहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली का विश्लेषण करने वाले ज्योतिषी कहते हैं कि उनकी केतु की शक्ति का समर्थन किया जाता है जो उनकी कुंडली में सकारात्मक है। केतु कुछ दैवीय शक्तियों का स्वामी है। अगर ये ग्रह किसी का समर्थन करता है तो जिंदगी में जबरदस्त सफलता आती है, इंसान को अदृश्य ऊर्जा मिलती है। इसलिए बिग बी 12 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी महानायक बने।
ज्योतिषाचार्य के मुताबिक शनि उनकी जन्म कुंडली में अच्छा है और सुख स्थान में मौजूद है। वो मन और व्यय स्थान का स्वामी है, तो ये शनि बिग बी को संपत्ति प्रदान करता है। हालांकि शनि भी एक इंसान को कड़ी मेहनत कराता है, जो बिग बी के व्यक्तित्व में साफ साफ दिखाई देती है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में बुधादित्य योग भी है। ये योग नाम, प्रसिद्धि, धन, ज्ञान आदि के लिए जिम्मेदार है। बृहस्पति भी अमिताभ जी की कुंडली में है, जिससे लग्न का लाभ है। लाभ एवं आय स्थान का स्वामी है। ज्योतिष शास्त्र भी कहा गया है कि अगर बृहस्पति किसी एक का समर्थन करेगा तो कोई भी संदेह नहीं है कि वो इंसान दुनिया जीत जाएगा। तो देख लीजिए, बृहस्पति बिग बी का समर्थन करता है और अमिताभ बच्चन दुनिया भर में लोगों का दिल जीत चुके हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली में बुध का लग्न है और ये आवास पर प्रभाव डालता है, इसी के चलते उन्हें सम्मोहित करने वाली आवाज मिली है। हालांकि कुंडली का ये बुध अमिताभ बच्चन को चतुर और बुद्धिमान भी बनाता है। बिग बी का जन्म मीन लग्न और तुला राशि में हुआ है। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। साल 2013 से लेकर साल 2031 तक बिग बी की कुंडली में शुक्र की ये महादशा है। शुक्र के साथ अंतर में राहु चल रहे हैं, जून 2020 से लेकर जून 2023 तक रहेंगे। राहु के साथ प्रत्यंतर में भी राहु चल रहे हैं, जो जून से लेकर नवंबर तक रहेंगे। इस बीच का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि महादशा शुक्र की चल रही है और मीन लग्न में शुक्र मारक माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं, अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से लड़े हैं। बीते दिनों भी उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो फिलहाल ये जो समय है, अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि अमिताभ बच्चन का जो समय है वो अक्टूबर से शुरू हो गया है। अच्छा इनकम, मान सम्मान के लिए बिग बी का ये बचा हुआ जो साल है वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। धन, मान सम्मान, फाइनेंस के लिए साल 2021 का समय जो चल रहा है वो काफी अच्छा है। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन कितने ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं, अमिताभ बच्चन किस तरीके से बड़े ब्रांड्स का चेहरा बन रहे हैं। कुल मिलाकर साल 2021 और साल 2022 का जो समय है वो बिग बी के लिए धन, मान सम्मान, घर में प्रेम प्यार के लिए तो अच्छा है ही। अब आपको चलिए बताते हैं अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई कुछ और बेहद खास बातें। अमिताभ बच्चन की कुंडली पर जिन ज्योतिषों ने अपनी अपनी बात कही वो सब ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के लिए समय स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उन्हें ज़रूर मिलेंगी। बिग बी की कुंडली में शुरुआत से ही योग, प्रेम, विवाह के थे। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन की कुंडली में ढेर सारी सफलता है और इन सफलताओं के साथ ही खूब सारा स्ट्रगल भी है। बिग बी की जिंदगी में उनके साथ जो घटनाएं हुई उन सबको लेकर यहाँ कहते हैं ज्योतिषी कि बिग बी का लग्नेश शनि, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश शुक्र, इन सभी के कारण अमिताभ बच्चन ने स्वास्थ्य संबंधी इतनी परेशानियों को झेला है, लेकिन अब वक्त काफी ज्यादा बदल चुका है। तो ज्योतिष लोगों ने अपने दिल की बात कह दी। आपको बता दें, हॉरोस्कोप या ज्योतिषाचार्य, इन पर लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार विश्वास करते हैं। अगर आप करते हैं तो इनकी बात मानिए, और अगर नहीं करते हैं तो बिग बी के लिए अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। बिग बी को अगर आप देना चाहते हैं कोई बेहद खास विश, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी बर्थडे विश उन्हें लिखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।